हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच के फ्रैक्शन चैप्टर का थर्ड लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को जाके देखिए। उन लेक्चर्स में मैंने फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है और कुछ टाइप के फ्रैक्शंस वहाँ पर डिस्कस किए हैं। हम आज लेक्चर नंबर टू को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर टू में हमने इम्प्रॉपर, प्रॉपर, यूनिट, मिक्स्ड और क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल एंड वल्गर, इन फ्रैक्शंस को हमने कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट टाइप के जो दो तीन टाइप के फ्रैक्शंस और बचे हैं उनको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो अगले टाइप का फ्रैक्शन है वह है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इसकी फीलिंग लेते हैं। देखो कि एक्चुअल में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, अगर रटने बैठ जाओगे ना तो चीज़ें बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। जैसे अभी मैंने सिखाया, फिर नेक्स्ट चैप्टर हुआ, फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर हुआ, तो आप लोग क्या करोगे, जब तक दूसरे या तीसरे चैप्टर तक पहुँचोगे तो तब तक ये वाला चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, आप लोगों के दिमाग से गायब हो जाएगा। तो आप लोगों को चीज़ें रटनी नहीं है, चीज़ों को समझना है। हर चीज़ का मीनिंग है कोई ना कोई, तो उस मीनिंग को जानने की कोशिश करनी है। तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास तीन चपाती है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में एक ही चपाती है। एक चपाती को मैं दो जनों में बांटना चाहता हूँ। दो जनों में बांटने के लिए मैं तीन तरीके अपना रहा हूँ। तीनों तरीकों को देखना आप ध्यान से, फिर मुझे बताना कि मैं कौन से तरीके से, मतलब क्या तीनों तरीके से बांटने पे सेम ही चीज़ हो रही है क्या। ध्यान से सुनना, मुझे ए और बी के बीच में बांटना है। मैंने, मेरा मन किया कि एक काम करता हूँ, दो टुकड़े कर लेता हूँ एक चपाती के, और दो में से आधे आधे, आधा इसको दे देता हूँ, मतलब दो में से एक टुकड़ा इसको दे देता हूँ। तो इसको कितना मिला, टू में से एक पार्ट मिला। फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं। फिर यहाँ पर टू में से एक पार्ट इसको मिल गया। फिर मेरा मन किया कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, ये चार, इसके चार टुकड़े करते हैं और चार टुकड़े करके चार में से दो टुकड़े एक को दे देते हैं, दो टुकड़े दूसरे को दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसी चपाती के चार टुकड़े किए इक्वल पार्ट्स, और चार में से दो एक को दे दिए, तो चार में से दो एक को दे दिए, और यहाँ बी को भी क्या दे दिए, चार में से दो टुकड़े दे दिए। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। फिर मेरा मन किया नहीं नहीं, एक काम करते हैं, एक और कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी करने का मतलब है कि हम इसको थोड़े से और टुकड़े कर देते हैं, आठ टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। और आठ टुकड़े करने के बाद में चार टुकड़े, ये जो शेडेड वाला बना रहा हूँ मैं, कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ए को दे दिया, यानी कि आठ में से चार टुकड़े ए को दे दिए और आठ में से चार टुकड़े हमने बी को दे दिए, ठीक है। मैंने तीन तरीके से क्या किया है, इस चपाती को या फिर पिज्जा बोल सकते हो, इसको मैंने बांट दिया किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप, कि मैं कोई से भी तरीके से बांटूं, मैं ऐसे बांटूं, ऐसे बांटूं, ऐसे बांटूं, तीनों केस में जो चपाती मिली है वो आधी आधी तो मिली है। देखो यहाँ भी आधी मिली है, यहाँ भी आधी मिली है, यहाँ भी आधी मिली है, मतलब तीनों जो चीज़ मैंने लिखी है, वन अपॉन टू या टू अपॉन फोर या फोर अपॉन एट, ये तीनों के तीनों सेम ही तो है, बराबर ही तो है। तो यानी कि यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये वन अपॉन टू, टू अपॉन फोर, ये जो फोर अपॉन एट आया ना, ये तीनों के तीनों जो फ्रैक्शंस है यही एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनते कैसे हैं वो समझते हैं। जैसे कि मान लो ये दे दिया, तो इसके इक्विवेलेंट ये है, कैसे पता करें। तो देखो, अगर मैं इस वाले रैशनल नंबर में, सॉरी रैशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में, इस वाले फ्रैक्शन का और इस वाले फ्रैक्शन का हमें पता है ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इससे ये कैसे बनाया जा सकता है वो ध्यान से सुनना। अगर हम न्यूमेरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को भी टू से मल्टीप्लाई कर दे, तो वन टू जा टू होगा, टू टू जा फोर आएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, हाँ ये दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट है। यानी हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो एक नया फ्रैक्शन मिलेगा, वो नया फ्रैक्शन पहले वाले के इक्विवेलेंट होगा। देखो, इसको हमने न्यूमेरेटर को दो से, डिनोमिनेटर को भी दो से मल्टीप्लाई किया, तो नया फ्रैक्शन क्या मिला, टू अपॉन फोर मिला। क्या वन अपॉन टू और टू अपॉन फोर दोनों इक्विवेलेंट है क्या, यहाँ से देखो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है
तो जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो उसके इक्विवेलेंट होता है और वो दोनों बराबर होते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई पूछे कि भाई इससे ये कैसे बना होगा, तो क्या किया होगा, न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब कोई पूछे कि बताओ ये इससे ये कैसे बना होगा, तो यहाँ पे हमने 4 को क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया और 8 को भी क्या कर दिया, 4 से डिवाइड, तो यहाँ 1/2 होगा, यहाँ पे 2 टाइम, यानी कि यहाँ दोनों चीज़ें कर सकते हो। अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं, किसी से डिवाइड होना भी चाहिए, पता चल रहा है कि ये दोनों डिवाइड ही नहीं हो रहे किसी नंबर से, तो हमें वहीं छोड़ देना है। अगर दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो नया फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ही होगा। आई होप ये बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि a बाई बी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, बी जीरो नहीं होना। अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दे, अब ये m क्या है, a क्या है, b क्या है, a बाई बी कुछ भी हो सकता है, जैसे a यहाँ पे 1 है, b क्या है, 2 है, m क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे m 2 है, यहाँ पे m कितना है, 4 है, किसी m से मल्टीप्लाई कर दो या किसी दूसरे n से मल्टीप्लाई कर दो, बस ध्यान रखना है दोनों को सेम होने चाहिए न्यूमिनेटर, तो ये एक नया फ्रैक्शन बनेगा, ये एक नया फ्रैक्शन बनेगा, ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर यहाँ ध्यान रखना है m और n जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो सबको जीरो बना देता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, इसलिए हमने m को जीरो नहीं माना है, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को याद रहेगा। या फिर हम क्या करें, a बाई बी फ्रैक्शन को a को भी m से डिवाइड कर दे अगर हो रहा है तो, और b को भी m से डिवाइड कर दे, या फिर a को भी n से डिवाइड कर दे और b को भी n से डिवाइड कर दे, तो एक नया फ्रैक्शन मिलेगा डिवाइड करने पे वो, और यहाँ भी क्या है, m और n जीरो नहीं होना चाहिए, तो जो भी नया फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट ही होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और अच्छे से ये पूरा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो पहले तो देखो डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइड 3 और 5 में किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, दोनों को क्या कर दो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नया क्या बनेगा, 6/10। तो 3/5 और 6/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर दूसरा फाइंड करना है, तो एक काम करो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को भी 3 से कर दो, ध्यान रखना दोनों को सेम से करना है, ये गलत हो जाएगा वरना, अगर अलग अलग से करोगे तो ये 9/15 बन गया। और करना है तुम चाहो तो 10 से कर लो, इसको भी 10 से कर लो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। तो ये जो तीनों क्या बने हैं, नए फ्रैक्शंस हमारे बने, ये इसके क्या कहलाएंगे, 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला है 12/16 को करना है, तो आप अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नया क्या बनेगा, 24/36। क्या किसी से डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड भी हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 टाइम होगा और ये 8 टाइम हो गया, तो एक नया फ्रैक्शन ये भी बन गया। क्या किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, देखो 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों, तो इसको 4 से करेंगे 3 टाइम होगा, इसको 4 से करेंगे तो 4 टाइम होगा। तो ये और ये जो तीनों फ्रैक्शंस हमने बनाए हैं ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, 12/16 के इक्विवेलेंट होंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हमारे जो नेक्स्ट दो टाइप के फ्रैक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं, वो है लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो लाइक फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो 3 मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं, 3/7, 4/7, 5/7। एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब यही होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम या फिर इक्वल होने चाहिए। अब अनलाइक जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, तो अनलाइक में देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो जिसके डिनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को अनलाइक बोलते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम है उनको लाइक बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये अनलाइक है और ये वाले क्या है, लाइक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों को जो चीज़ समझनी है वो है अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट बनाया, मुझे याद आ गया था इसलिए कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 होगा। जैसे मान लो कि 4/4 हो गया तो 4 जा 1 हो गया, 5/5 हो गया, इसका भी रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। तो मैंने यही लिखा है कि a बाई ए हो जाए या b बाई बी हो जाए तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो टॉपिक है मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। तो जैसे यहाँ पे 3 अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है और यहाँ भी 3 अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप तो क्या है? फाइंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो भी डिनोमिनेटर्स है ना तीनों के, उनका हमें क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। LCM कैसे फाइंड करते हैं? आई होप ये चीज़ आप लोगों ने 6th क्लास में बेसिक लेवल पे सीखी होगी। नहीं आती है फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करके अभी बता दूंगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है? मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू LCM। और तीनों के, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 या 4 होंगे तो 4, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को किसके इक्वल बनाना है? LCM के इक्वल बनाना है। जैसे ही LCM के इक्वल बनेगा तो हमारा क्या होगा भाई? तीनों डिनोमिनेटर्स के क्या होंगे? जो मतलब तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। जब तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। आई होप आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे यही करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? LCM ऑफ 4, 6, 12। अब LCM कैसे लेते हैं भाई? LCM वो सबसे छोटा नंबर है जिससे हम 4 को 6 को 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये समझो कि वो नंबर 12 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 से डिवाइड करने के लिए 12, 24 ये होना चाहिए। तो सबसे पहले 12 को ही देखो। क्या 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। 6 से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। 12 से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यही क्या हो गया? हमारा LCM हो गया। आप चाहो तो ये प्रॉपर तरीके से इस तरीके से भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दिया तो इन दोनों का LCM, इन तीनों का LCM कितना आएगा? 12 आएगा। अब हमारा फोकस क्या है? इस 4 को भी 12 बनाना है, इस 6 को भी 12 बनाना है। इस 12 को तो 12 पहले से ही बना हुआ है, तो कैसे बनाएं वो ध्यान से समझो। इसको हमें 12 बनाना है। ऐसे ही 5/6 है, इस 6 को हमें 12 बनाना है। अब हमने क्या किया है? लास्ट स्लाइड पे एक कॉन्सेप्ट सीखा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता था? अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? हमें 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट रहेगा। फ्रैक्शन दोनों सेम रहना चाहिए ना। तो यहाँ क्या होगा? 3 × 3 तो ये कितना हो गया? 9/12। फिर यहाँ 6 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया? 10/12। यहाँ तो 7/12 है, तो आप चाहो तो ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो, तीनों के तीनों फ्रैक्शन 9/12, 10/12 और 7/12, तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, तो ये क्या बन गए? लाइक फ्रैक्शंस बन गए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस 5/6, 7/9, 11/12 इंटू द लाइक फ्रैक्शंस, इंटू लाइक फ्रैक्शंस। हमारे को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्यूशन अगर लिखे तो LCM ऑफ 6, 9, 12, तो कोई ऐसा नंबर सोचो जिसके अंदर 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो 12 को ही पिक कर लो, 6 से कर सकते हैं लेकिन 9 से नहीं हो रहा। फिर 12 का कोई मल्टीपल 24 सोचो, तो 6 से होता है 9 से नहीं होता। फिर 36 में 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 12 से भी होता है, तो इनका LCM कितना निकल के आएगा? 36। हमें इसको भी 36 बनाना है, इसको भी 36, इसको भी 36, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू LCM। तो देखो 5/6 को 36 बनाना है, यहाँ पे क्या होगा? 7/9 को भी क्या बनाना है? 36 बनाना है। तो क्या होगा? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36 बन जाएगा, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को भी ऊपर 30 बन गया। और यहाँ क्या होगा? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 36 बन जाएगा, तो 7 को भी क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना बन गया? 28 बन गया। इसके साथ ही 11/12 है, तो 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 11 को भी 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो अब जो ये नए फ्रैक्शंस बने,
थर्टी अपॉन 36, 28 अपॉन 36, 33 अपॉन 36। तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? इक्वल है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, जिसको हम लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो मैं पहले आप लोगों को यह मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर इसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 12/16 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पे मैं मतलब समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी सेम नंबर से अभी डिवाइड हो रहे हैं। देखो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जो रिजल्ट बनेगा इक्विवेलेंट ही तो बनेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमने यही समझा है। तो यहाँ कितना होगा, 3 टाइम हो जाएगा या 4 टाइम। क्या अब ये दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं क्या? केवल 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 से तो हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं या 3 और 4 केवल 1 से डिवाइड हो रहा है। तो जब इन 3 और 4 का यहाँ पे HCF निकालोगे, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 3, एक तो 3 होगा और एक 1 होगा। फैक्टर का मतलब वो नंबर जिससे हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं और एक 3 से कर सकते हैं। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा, 1 और 4 होगा। दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये, और यही हाईएस्ट है भाई, अकेला ही कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 1। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आ रहा हो, तो वो जो फॉर्म लिखी हुई है ना, ये फॉर्म 3/4, भाई ये इसी का तो फॉर्म है, इसी को तो हमने कन्वर्ट किया है, तो ये 3/4 ही क्या कहलाती है, इरिड्यूसिबल फॉर्म। यानी इसको आगे हम रिड्यूज नहीं कर सकते, आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसी को हम लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं कभी कभी। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखूं कि इफ ए बाई बी इज अ फ्रैक्शन, ए बाई बी एक फ्रैक्शन है, एंड HCF ऑफ ए कोमा बी बराबर कितना हो, 1 हो। अगर ए और बी का HCF कितना है, 1 है, तो हम बोलेंगे कि ए बाई बी क्या कहलाएगा, एक इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा, जिसको आगे रिड्यूज नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्ट 84/98 इंटू इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब अभी ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है एक्चुअल में। एक चीज और ध्यान रखना, अगर HCF क्या है, नॉट इक्वल 1 है, अगर HCF नॉट इक्वल 1 है, तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ, इसको आगे रिड्यूस कर सकते हैं। भाई HCF 1 नहीं आ रहा, जैसे 4 आ रहा है, तो हम दोनों को 4 से डिवाइड करके आगे और सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म। ये कौन सी है, इरिड्यूसिबल फॉर्म है, इसको हमें मतलब ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, अभी इसको आगे रिड्यूस किया जा सकता है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इरिड्यूसिबल फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा मतलब समझ लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों का क्या करो, HCF फाइंड करो, HCF फाइंड करो। एक बार HCF फाइंड कर लिया, फिर आएगी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, न्यूमरेटर को भी HCF से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी किससे, HCF से डिवाइड कर दो। तो जो जो नया हमारा क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, वो फ्रैक्शन भी क्या होगा, हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म होगा। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखो, 84 जब 98 का एलसीएम लोगे, HCF लोगे, तो कितना आएगा, देखो मैं इसको करके बताता हूँ, इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखो, 84 और 98 का हम HCF ले लेते हैं, तो जब आप लोग इसका HCF लोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा दोनों का HCF 14 आएगा। तो देखो मैं करके बता देता हूँ, तो 84 के फैक्टर्स कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 84 के फैक्टर्स कितने हो गए ये, 98 के करो, 2 से डिवाइड करोगे 49 आएगा, फिर 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से होगा,
ठीक है, आप लोग अलग से करके डिवाइड करके देख लेना, और यहाँ पे लास्ट में वन भी लगा लो, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग वन को ले लेंगे। तो देखो एक तो कॉमन क्या आ रहा है, टू आ रहा है, और एक सेवन आ रहा है और एक वन आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा एच सी एफ होगा। टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई वन, तो एच सी एफ बराबर कितना आएगा, 14 आ गया। तो अब हमारे को क्या करना है भाई, पहला काम क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एच सी एफ फाइंड करना, वो हमने कर लिया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को भी एच सी एफ से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी करना है। तो यहाँ पे क्या, मैं इसका रिजल्ट यहाँ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना ध्यान से याद रख के। 84 को भी क्या करना है, 14 से डिवाइड करना है, 98 को भी 14 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे, इससे, तो ये 6 टाइम होगा, ये 7 टाइम होगा। तो 6 अपॉन 7 जो फॉर्म बनी है ये क्या है, ई रिड्यूसिबल फॉर्म बन गई हमारी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको आप आगे और सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या फिर ई रिड्यूसिबल फॉर्म कहलाती है। इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आज का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।